अब मई महीना शुरू होने वाला है और गर्मी भी बहुत ही पड़ रही है और साथ में वेकेशन भी आ रहा है, तो गर्मी से निजात पाने के लिए हम लोग लच्छी, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी रबड़ी ये सब खाने का मन करता है। लेकिन बाहर की चीज़ें खाने से डर लगता है क्योंकि मिलावट का ज़माना हो गया है और बाहर का खाने से डर लगता है। तो दोस्तों, आइए मानस कॉर्नर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम घर पर ही बनाएंगे श्रीनाथ जी वाली स्पेशल कुल्हड़ वाली रबड़ी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है और बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। तो इसमें हमने ले लिया है थोड़े काजू बादाम, चीनी, थोड़े केसर के धागे, 750 ml अमूल गोल्ड मिल्क। तो सबसे पहले हम काजू बादाम को हल्का हल्का भूनेंगे ताकि इसमें थोड़ा क्रंचीपन आ जाए। अब इसको प्लेट में निकाल कर कढ़ाई में डालेंगे। जो हमने दूध लिया था 750 ml, वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। और साथ में हमने 2 दिन की मलाई निकाल कर रखी थी दूध से, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा दूध गर्म होने के बाद। और अब गैस की फ्लेम कर देंगे थोड़ी हाई और किनारे से ऐसे चम्मच को स्क्रैप करते जाएंगे और दूध को उबालते जाएंगे। दोस्तों, ये रबड़ी आप घर पर एक बार बनाएंगे तो बच्चे सब अब घर पर ही बनाएं ऐसा बोलेंगे। तो आप घर पर ही बनाना। और अब इसमें हमने डाल दी है 60 ग्राम चीनी। चीनी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और दूध का टेक्सचर अब धीरे धीरे गाढ़ होने लगा है। देखिए, हम किनारे से ऐसे चम्मच को कैसे स्क्रैप करते हैं देखिएगा। और इसका जो गाढ़ापन है वो अब दिखाई दे रहा है चम्मच के ऊपर। और 10 मिनट के बाद ये हमारी रबड़ी हो गई है तैयार। देखिए, इसमें मावे जैसा दाना भी पड़ गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर और थोड़े केसर के धागे। और अब गैस की फ्लेम कर देंगे बंद और इनको कर देंगे अच्छे से मिक्स। और आधे घंटे के लिए इनको ठंडा होने के रख देंगे। तब तक जो ये कूलर है वो हम फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रख देंगे। और आधे घंटे के बाद देखिए, और भी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है हमारी रबड़ी। तो इसमें थोड़े काजू और बादाम डालकर मिक्स कर लेंगे। थोड़े काजू बादाम अलग रखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम ये सब रबड़ी को कूलर में भर देंगे। दोस्तों, ये कूलर हम आइसक्रीम खाने गए थे तब इनको हम वापस लेकर आए थे साथ में, तो हमने इसका उपयोग कर लिया। और अब इसको अब हम रबड़ी को भर लिया है तो ऊपर से डालेंगे थोड़े जो काजू बादाम हमने रखे थे वो स्प्रेड कर देंगे। और अब ढक्कन कर देंगे बंद और 2 घंटे के लिए इसको रख देंगे फ्रीज़र में। और देखिए, इतना कितनी अच्छी रबड़ी हमारी हो गई है तैयार। दोस्तों, गुड बाय।